हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आप कैसे हो? तो मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू नाइट अपडेट की, यानी कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलने वाला है, और इसी के साथ साथ आपके कुछ कमेंट्स उठाएंगे और इसी के साथ साथ अपकमिंग इवेंट्स की भी बात करेंगे। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो फाइनली गाइस यार, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी न्यू हाइपर बुक की। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये आसमानी कलर में बुक देख पा रहे हो, तो इसके अंदर हमको बहुत ही ज्यादा लीजेंडरी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और आप इसके अंदर का इंटरफेस देखना चाहते हो तो भाई ये रहा इसके अंदर का इंटरफेस। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले तो एक लूट बॉक्स का स्क्रीन मिल रहा है, और भाई यहाँ पर एनिमेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद आप ये बाइक का स्क्रीन देख पा रहे हो, तो भाई यहाँ पर भी एनिमेशन नहीं है, ठीक है, आप ओनली ये रिवॉर्ड्स देखो। और भाई इनके एनिमेशन की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि इनका एनिमेशन बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा और बहुत ही जल्द इनका एनिमेशन भी मिल जाएगा। पर अभी ऐसे ही लीक्स एंड अपडेट लगे थे मेरे हाथ, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ग्लू वॉल का स्किन देखो, तो भाई मेरे को ग्लू वॉल का स्किन एकदम ओपी लगा। और इसी के साथ साथ ये मेल का बंडल है कि फीमेल का है, तो भाई ये भी शाइनिंग नहीं मार रहा है, पर बहुत तगड़ा शाइनिंग देगा। और इसी के साथ साथ एक इमोट भी मिलेगा यहाँ पर, और उसके बाद सारी बुक अनलॉक कर लेते हैं तो एक बिल्कुल फ्री का रिवॉर्ड्स मिलेगा, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। और इसी के साथ साथ अभी अपन वीडियो में आगे बढ़े, तो भाई हमारी एक और हाइपर बुक आने वाली है, और उसका कलर कुछ अपने को लाल कलर में देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो इसके अंदर के इंटरफेस की बात करें तो गाइस, मैंने जो आपको अगली बुक का इंटरफेस बताया था वैसा ही रहेगा, पर अभी मैं आपको इसके रिवॉर्ड से रिव्यू करवा देता हूं, क्योंकि इनका फाइनल लुक लग चुका है मेरे हाथ। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये सर्फ बोट का स्किन देख पा रहे हो, जो कि एकदम बेहतरीन फायरिंग एनिमेशन छोड़ रहा है, और मुझे ये सर्फ बोट का स्किन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद आ जाती है हमारी गन स्किन, जो कि भाई AC-80 की गन स्किन रहने वाली है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखो कि भाई इसका क्या ही ओपी लुक लग रहा है, एंड इसका जो एनिमेशन है ना भाई, उसने तो मेरा दिल जीत लिया। और भाई AC-80 तो हमारी बिना स्किन की भी बहुत ज्यादा ओवर पावर चढ़ती है, और इसकी स्किन मिलेगी तो भाई ये कतई जहर मचा देगी। और इसी के साथ साथ भाई अगले रिवॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर हमको अगला रिवॉर्ड्स कटाना का स्किन मिलने वाला है। अब आप अपनी स्क्रीन पर इसका एनिमेशन देखो कि भाई इसका एनिमेशन क्या ही ओपी है, क्या ही जहर है। मतलब कि यार ये दो कलर बदल रहा है, एक तो मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद ये थोड़ी देर में एनिमेशन लेता है, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक। और इसी के साथ साथ अगले रिवॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर हमारा अगला रिवॉर्ड्स ग्लू वॉल की स्किन रहने वाला है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखो कि भाई ये थोड़ी देर बाद फायरिंग एनिमेशन छोड़ रही है, मतलब नॉर्मल हो जाती है फिर फायरिंग छोड़ने लगती है, तो भाई ये इसका इफेक्ट रहने वाला है। एंड आप ग्लू वॉल को लगाओगे तो भी भाई ऐसी ये फायरिंग छोड़ेगी, ठीक है, लगाने के बाद फायरिंग छोड़ेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर छोड़ेगी। और उसके बाद जो आपको फाइनल रिवॉर्ड्स मिलेगा ना ग्लू वॉल की स्किन बिल्कुल फ्री में, वो ये हो सकती है, ठीक है। दो दो ग्लू वॉल की स्किन तो हमको इसमें नहीं मिलेंगी, एक बिल्कुल फ्री मिलेगी पूरी बुक अनलॉक करके, तो भाई ये आसमानी कलर की अपने को बिल्कुल फ्री मिल सकती है। और इसी के साथ साथ ये ग्रेनाइट की स्किन देखो, जिसका एनिमेशन एकदम ओपी है, तो ये भी हमको इसी बुक के अंदर से मिलेगा। और अभी मैंने आपको दोनों बुक का फाइनल लुक बता दिया, और जितने भी रिवॉर्ड्स आएंगे बुक के अंदर वो बता दिए हैं। और इसी के साथ साथ फाइनली गाइस यार, अभी हम बात करते हैं आपके कमेंटों की। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कमेंट है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कोबरा MP40 कब आएगी, नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा रहने वाला है राहुल भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट इंक्यूबेटर रहेगा ना, उसके कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं निकले हैं अभी तक, तो भाई आप वेट करो। और मैं आपको बता दूं कि आपको ओनली 23 मार्च तक वेट करना है, जैसे ही 23 मार्च आ जाता है तो मैं आपको बिल्कुल 100% कंफर्म कोबरा MP40 नहीं बता पाऊंगा, इंक्यूबेटर बता दूंगा कौन सा आएगा। और कोबरा MP40 के अभी कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं निकले हैं, और बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कोबरा बंडल की, तो भाई कोबरा बंडल के भी कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं है, पर अभी आप 23 मार्च तक वेट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वेपन रॉयले भी बता दूंगा, नेक्स्ट इंक्यूबेटर भी बता दूंगा, और बिल्कुल 100% कंफर्म नेक्स्ट गोल्ड रॉयले भी बता दूंगा। और इसी के साथ साथ भाई बिल्कुल 99% कंफर्म नेक्स्ट गोल्ड रॉयले मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है मॉर्निंग वाली में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर उसको देख सकते हो, वहां पर आपको गोल्ड रॉयले देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई वो बिल्कुल 99% कंफर्म है, पर मेरे हिसाब से तो वही आएगा जो मैंने आपको बताया, तो जाकर देख लो अगर आपको गोल्ड रॉयले देखना है तो। और इसी के साथ साथ हम हमारे अगले कमेंट की बात करें, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है राहुल भाई पोकर MP40 कब आएगी, राहुल भाई ब्लैक बनी बंडल कब मिलेगा, कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बनी बंडल के अभी कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं निकले हैं, पर हमारा पुराना बनी बंडल आ चुका है, बनी MP40, बनी MP5 आ चुकी है, तो बहुत ही जल्द हमको बनी ब्लैक बंडल भी देखने के लिए मिलेगा।
और ये अपने को मिलने वाला है 20 मार्च के समथिंग या फिर भाई 25 मार्च के समथिंग, ठीक है। तो ओनली वेट करो, और भाई इसका 100% कंफर्म लीक्स एंड अपडेट नहीं निकला है, पर मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ कि भाई 20 से 25 के बीच में हमको हमारा ब्लैक बनी बंडल देखने के लिए मिल सकता है। और भाई पोकर MP40 की बात करें तो इसके कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं है, यानी कि अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि पोकर MP40 रिटर्न आ भी रही है कि नहीं आ रही। और इसके बाद अगले कमेंट की बात करें तो भैया ये कतई असंभव कमेंट है कि स्काइलर की एबिलिटी कब सही होगी। राहुल भाई तो आपको पता होगा हमारा CR7 भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, हमको दिल का टुकड़ा था, और भाई उसको बहुत सारे बंदे यूज करते थे क्लैश स्क्वाड के अंदर। तो CR7 को फेल दिया था गेरिना ने, आज तक उसको नहीं सुधारा, तो हमारे स्काइलर को फेल दिया गया है और स्काइलर भी नहीं सुधरने वाला। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, पर पहले थे ना वैसा तो स्काइलर हमारा कभी नहीं होगा, नको भैया कभी नहीं होगा, ठीक है। मगर क्यों? क्योंकि स्काइलर सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, उसको बंदे VR रैंक में यूज करते हैं, CS रैंक में यूज करते हैं, और न्यू कैरेक्टर लेना ही नहीं चाहते। तो उसको बिगाड़ दिया है तो उसको बिगड़ा ही रहने देंगे। कोई सा न्यू कैरेक्टर आएगा स्काइलर की तरह एबिलिटी में, पर स्काइलर को नहीं सुधारेगी गेरिना फ्री फायर, क्योंकि उसको अपना बिजनेस भी तो करना है। बात तो सही है। हाँ, तो फाइनली अभी अपन ने लीक्स एंड अपडेट की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं हमारे टू नाइट अपडेट की, यानी कि आज रात को 12 बजे हमको हमारे फ्री फायर के अंदर कौन सा न्यू इवेंट या बैनर देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, तो फाइनली गाइस यार आज मॉर्निंग से ही हमारे टू नाइट अपडेट को लेकर कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं निकले हैं, पर मैंने जैसे ही अपना गेम ओपन करा तो भाई मैंने यहाँ पर इवेंट सेक्शन देखे तो सारे के सारे इवेंट सेक्शन खाली पड़े हुए हैं, यानी कि हमको बहुत ही जल्द हमारे फ्री फायर के अंदर एक और न्यू बड़ा इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, पर आज रात को 12 बजे कुछ भी न्यू नहीं आ रहा है। और भाई मैंने ये मतलब कि यार देख लिया था, ठीक है, और जैसे ही मैं लक रॉयल के अंदर गया तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे इवेंट तो देखने के लिए मिले, लक रॉयल, डायमंड रॉयल, नॉर्मल सी बात है, पर यहाँ पर मुझे कोई भी मोको स्टोर और फेडेड व्हील देखने के लिए नहीं मिला है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में 9 बजे के समथिंग कोई सा मोको स्टोर या फेडेड व्हील आ जाए, पर इसके कोई भी लीक्स एंड अपडेट नहीं निकले, इसीलिए मैं इसको 100% कंफर्म नहीं करूंगा, पर भाई आ सकते हैं, थोड़ा बहुत चांस तो बन रहा है, क्योंकि अभी फेडेड व्हील और मोको स्टोर चल ही नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूं यार आज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे भाई बाय बाय, टाटा, तो लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे भाई बाय बाय।